श्री नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं। तो आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। देखिए कल इंडिया गठबंधन का जो बिहार यूनिट था उसके द्वारा पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में जब मंच पर लालू चढ़े तो नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत हमले करते नजर आए। नरेंद्र मोदी को यहां तक कह दिया कि वो बताएं कि उनके संतान क्यों नहीं होते, साथ ही उनके हिंदू होने पर भी सवाल खड़े कर दिए। तो वहीं जब उनके बेटे तेजस्वी यादव मंच पर चढ़े तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर नजर आए। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं हो, तुमको हुआ बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो, राम रहीम के बंदों में, ताकि भगवान जी हाँ दिल्ली के ऊपर कब्जा करना है, तैयार बनो लोग ना, हाथ उठाकर बताओ जब तैयार बनेगा। उठा रही है जब तक नरेंद्र मोदी नहीं देख लेता। देखो देखो नरेंद्र मोदी, तेज प्रताप, तेजस्वी को और मजबूत करना है। मजबूत तो है ही, काफी मेहनत करता, हम सभी बेसी मेहनत करता है भी, सब लोगों से तेज प्रताप और तरुण जब से यात्रा शुरू हुआ तब से मीसा भारती पूरा घूम रही है, अभी घूमते रही। अब आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव की तैयारी करें सर, चुनाव की तैयारी करिए, चुनाव की तैयारी में लग जाइए। हम आएंगे, हम खुद आएंगे सब जगह। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे में आज इन दोनों का जवाब बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव, अरे मोबाइल नीचे करो, एक भ्रष्टाचारी सजायाफ्ता और वंशवादी लोग हैं। ये राजनीतिक जोकर भी रहे हैं। लोग कहता है कि ये राजनीति में फुहरपनी का बात करके बिहार के सम्मान को गिराते हैं।
बिहारी को कहीं ना कहीं लज्जित करने का काम करते हैं। अरे जो देश को 140 करोड़ जनता को सनातन को सम्मान ही नहीं उसके गौरव को बढ़ाया, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी आप वही व्यक्ति हैं जो सनातन धर्म ग्रंथों का, सनातन धर्म गुरुओं का, सनातन के देवी देवता पर हमेशा आप और आपके संरक्षण में आपके दल के लोग किस तरह से लज्जित करने का काम किया। कोई भी सनातन आपके इस बयान से दुखी, हर सनातन दुखी है, आपके इस बयान से बिहार लज्जित होता है। अरे वो तो सनातन के गौरव देश के प्रधानमंत्री हैं जो गुलामी के प्रतीक को हटा करके राम लला को स्थापित किए, और उन्होंने परसों ही तो घोषणा किए कि राम लला आप सबसे पहले कहाँ जाएंगे, तो माँ जानकी के घर जाएंगे, बिहार की धरती पर आएंगे, राम राज उत्तर प्रदेश से बिहार आएगा। ये फ्रस्ट्रेशन में है, घबरा गए हैं, इनके बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का सपना खत्म हो गया, और जो अपने परिवार पत्नी बेटे और बेटी से बाहर नहीं निकल पाए, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ को अपना परिवार मानता है, वो व्यक्ति क्या बोलेंगे, नर्वस हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं वो। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि मोदी जी की गारंटी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे। मोदी जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचारियों को अवसर नहीं मिलेगा और कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की गारंटी दे रहे हैं। दोनों की गारंटी एक है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का, कि जाति विहीन समाज बनाना है और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने के भाव में दोनों गरीबों के उत्थान के प्रति संकल्पित है। अब वो फिर से लंगूर अंगूर को देखने में लगे रहेंगे, वो समय चला गया। दिल्ली पे कब्जा करेंगे, लालू यादव कह रहे हैं दिल्ली पे कब्जा करेंगे। देखिए माँ भारती का संतान, अरे विजय को कभी नहीं मिलेगा, विजय जहाँ है उसी का विजय होगा, और ये भरम में नहीं रहो कि कोई भ्रष्टाचारी वंशवादी अत्याचारी दुराचारी ये लोग सराफत और इंसानियत गरीबों को खदेड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मैं गरीबों के प्रति, युवाओं के प्रति, किसानों और महिलाओं के प्रति, तो जब देश की 140 करोड़ जनता जिसके साथ है उसको श्रीमान लालू प्रसाद यादव जैसे भ्रष्टाचारी कैसे खदेड़ पाएंगे। हाँ ये मैं गारंटी दे देता हूँ कि 2025 की इसमें तो जीरो पर आउट है लोकसभा में, 2025 में ये 25 सीट भी पार नहीं करेंगे। तो सुना आपने किस प्रकार से विजय कुमार सिन्हा ने दोनों का जवाब दिया, और दोनों का जवाब देते हुए फुहर बता दिया है। जी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा दैनिक न्यूज के साथ, धन्यवाद।